हेलो व्यूअर्स, आज हम टाटा 709 BS3 की आइडियल आरपीएम मॉडिफिकेशन करेंगे विद जाल्टस V9। तो ये हमारे पास एक गाड़ी आई है जिसका इशू था कि आइडियल आरपीएम हाई होने की वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा थे, तो इसका आइडियल हमें कम करना था। तो सबसे पहले हम स्कैनर्स को कनेक्ट करते हैं व्हीकल से। आइडियल मॉडिफिकेशन से पहले हमें पहले ये देखना है कि कोई गाड़ी में एक्टिव कोड है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई कोड नहीं है, तो हम पैरामीटर्स वाले ऑप्शन में चलेंगे, उसके बाद आइडियल एडजस्ट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इनिशियल कंडीशंस आपको देखनी होती है और ये जो आरपीएम है ये करंट सेट है गाड़ी में, तो हम इसको कम करेंगे। तो यहाँ आप रेंज देख सकते हैं -100 to +100, मतलब आप 100 कम कर सकते हैं और 100 ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम -100 मतलब 100 इसका आरपीएम कम करेंगे। कम करने के बाद जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको इग्निशन कुछ टाइप के लिए ऑफ करके ऑन करना होता है। अभी जैसे खत्म हुआ टाइमर, हम ऑन करते हैं इग्निशन, आगे बढ़ते हैं। तो आइडल वाला जो ऑप्शन है आपका प्रोसेस हो गया और आइडल आपका सेट हो गया। तो हम गाड़ी पे चेक करेंगे कि जो आइडल हमने सेट किया वो हो रहा है कि नहीं। मेजरमेंट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, फिर मेजरमेंट सिलेक्शन, इंजन स्पीड सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि जो आरपीएम है आइडल वो 600 में सेट हो चुकी है। इसका मतलब है जो आइडल मॉडिफिकेशन है हमारा वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है।